भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि अब जो पैसा जमा है वो तो सूद दे रहा है किसी ना किसी हाल में, जो कुछ है उसके ताल्लुक से हम क्या करें। तो पहली चीज तो ये करें कि जो जमा है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, उसको निकाले। पैसा जमा करे कोई फायदा नहीं रहता, उसको निकालिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए, ठीक। दूसरा, अगर फिर भी इन्वेस्ट के बाद भी कुछ जमा है तो क्या करें, तो याद रखिए जो सूद मिलता है बैंक में तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि फिर वो बैंक वाले कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम नहीं जानते। तो आपको वो पैसा जो आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे शख्स को आप दे सकते हैं जिस पर हराम वाजिब है। आप किसी गरीब की शादी में नहीं ले सकते, मस्जिद के हमाम और तहारत खाने नहीं बना सकते अपने घर के। ये पैसा सिर्फ ऐसी जगह दिया जा सकता है ऐसे शख्स को जिस पे हराम वाजिब है, मतलब इतना भूखा इतना नंगा कि रास्ते पे मरा हुआ जानवर खा रहा है या गंदे सड़े हुए खाने नालियों में लोग खाते हैं, देखिए आप, ये मुस्तहिक है उस पैसे के, लेकिन आपको देने का कोई अजर और सवाब नहीं मिलेगा। दूसरा कौन है, दूसरे ऐसे लोग जो लावारिस होते हैं। मिसाल के तौर पर रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया किसी का, दवाखाने ला लिया आपने, लोग बोलते भाई इसको इलाज के लिए 50,000 दो, नहीं तो मरने दो। अब आप बोलते मेरे पास ना जकात है ना सदकात है, तो ऐसे पैसा चूंकि उस पर हराम वाजिब है वरना मर जाएगा वो, तो ऐसे इंसान को दिया जा सकता है। तो इसके मुस्तहकीन सिर्फ ये है, मस्जिद नहीं है, इसी तरह हमारे मदारिस के तहारत खाने और हमाम नहीं है, हमारे घर की हमाम नहीं। वरना एक साहब ने किस्सा सुनाया कि एक शख्स के घर में मर्दाने में गए तो मर्दाना उतना अच्छा नहीं था जितना उनका हमाम अच्छा था। तो उन्होंने पूछा ये हमाम इतना अच्छा क्यों, मर्दाना इतना, तो कहा ये हमाम में 2 नंबर की कमाई है, मर्दाने में 1 नंबर की कमाई है। अब अंदाजा लगाइए, इबादत के लिए तहारत शर्त है, तहारत ही गलत हो तो क्या इबादत होंगी उस शख्स की, ठीक है। तो लिहाजा ऐसे पैसे को आप ले लें और लेकर उन लोगों को दें सिर्फ जिस पर हराम वाजिब हुआ। देखिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप ही मत बोलिए कि किसी को हराम वाजिब हो, इतना भूखा इतना नंगा, कपड़े ना हो तो सर्दी से मर जाएगा, खाना ना हो तो उनकी औरतें, आप देखिए बहुत से लोग होते हैं इनकी औरतें नंगी होती सड़कों पर, कुछ तो भी एक आध चादर में लपटी, ये मुस्तहक है बस। इसको बगैर सवाब की नियत से ऐसे लोगों को आप दे सकते हैं, अपने जात के लिए, किसी और के लिए, मुसलमानों की फलाह के लिए ये इस्तेमाल पैसा नहीं हो सकता, याद रखिए। किसी ने एक सवाल किया है, आजकल कोई